नहीं मिलते मुझे खिलौने, ललक नहीं है मुझको उनकी, पर एक ललक जरूर है मन में, हंस 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 कर ही बचपन बिताऊं, मोटर गाड़ियों से करने से मसूरी की सैर, ललक है मुझे इसकी, पर चढ़कर हिमगिरी की चोटी पर ललक है हिंद का तिरंगा फहरा। ये कविता जो मैं इस समय पढ़ रहा हूँ, ये कविता है एक किताब की, जिसका नाम है ललक और जिसके लेखक है रविंद्र कुमार। रविंद्र कुमार इस समय झांसी के जिलाधिकारी हैं और आज वर्ल्ड पोएट्री डे पे हम उनसे मिलने आए हैं और जानने आए हैं कविताओं से उनका लगाव और जुड़ाव कैसे हुआ। रविंद्र कुमार जी, आपने अब तक 4 किताबें से ज़्यादा लिख चुके हैं, आप कविताओं से कैसे लगाव हुआ आपका? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज वर्ल्ड पोइट्री डे के जितने भी हमारे कवि हैं, जितने भी लेखक हैं, सबको बधाइयाँ देता हूँ। ये ऐसे रेयर डे हैं जो कि पब्लिकली बहुत फेमस नहीं है, लेकिन लेखक और कवि के सर्कल में ज़रूर फेमस है। अब जहाँ तक कविताओं की बात आती है तो ये आज की नहीं है, बहुत पुरानी है। और जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो उस समय कविता लिखने, कविता पढ़ने का बहुत प्रचलन था। इनफैक्ट जो कविता पाठ का कंपटीशन होता था उसमें अवार्ड भी दिया जाता था। हमारी 4 किताबें हैं, ललक, नई आंखें, किसमें सीढ़ी और आंतरिक अंतरिक्ष, जो कि ऑलरेडी पब्लिश्ड है। इसमें से एक ब्लूम्सबरी द्वारा पब्लिश किया गया है, 2 प्रभात प्रकाशन द्वारा और एक और गाजियाबाद की एक प्रकाशन है। 2 अभी प्रोसेस में है, पूरी हो गई है कविता की किताब। एक ब्लूम्सबरी के द्वारा प्रकाशित की जा रही है और एक प्रभात प्रकाशन के द्वारा। पहला कविता कैसे लिखने, मतलब पहली बार कैसे कविता लिखने का मन में क्या? लोग सो कहते हैं कि किसी का दिल जुड़ता है या दिल टूटता है या कोई चीज जो इम्पैक्ट करती है उससे होता है, तो आपको क्या ऐसा इम्पैक्ट किया इस कविता नहीं, को ये करने में? कविता देखिए, दिल तोड़ने जोड़ने से कोई नहीं लेना देना है। जब मैं स्कूल में था, क्लास 7 और 8 में, तो उस समय चूंकि बिहार के स्कूल में था, हिंदी का प्रचलन था। और जैसा कि मैंने बताया कि उस समय भाषण प्रतियोगिता, कविता लेखन प्रतियोगिता, कविता पाठ प्रतियोगिता होती थी, तो उसी प्रतियोगिता में भाग लेने के कारण एक कंपटीशन की भावना आई और मैंने शुरू में 1-2 पोएम लिखा। मुझे याद है कि अंतरिक्ष में मानव, हमारी जो क्लास 7 में मैंने लिखा था, पहली पोएम थी जिसमें हमने ये दिखाया था कि एक तरफ मतलब धरती पे समस्याओं का अंतरिक्ष है, जैसे प्रदूषण, जितने भी प्रदूषण हैं, वायु प्रदूषण, और दूसरी तरफ हम चंद्रमा और मंगल ग्रह की तरफ जा रहे हैं। कंपेरेटिव था कि ये हमारा जो अंतरिक्ष है, समस्याओं का अंतरिक्ष, उससे भी बड़ा है और मानव जीवन के लिए ज़्यादा जरूरी है। तो क्लास 7 में था, बट हमारे शिक्षक बोलते थे कि मेच्योरिटी ऑफ थॉट काफ़ी अच्छी है। तो वही उस समय की लिखी हुई कविताओं का संकलन हमने प्रकाशित करवाया था, प्लस बाद में भी कभी कभी समय मिलने पर लिखते रहते तो हैं। आपके सबसे फेवरेट कवि कौन थे उस समय के, या अब और अगर आज मैं पूछूं तो आपसे फेवरेट कौन थे? देखिए, ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ कविता पर। जैसे वीर रस में रामधारी सिंह दिनकर काफ़ी थे, और काल्पनिक की बात करें तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आगे, उनकी कविता कितनी नाव में कितनी बार बहुत फेमस थी। और उस समय एक वागर्थ हिंदी की मैगजीन हुआ जी करती थी, तो क्लास 9-10 में मैं उस समय वागर्थ पढ़ता था। उसमें मतलब छंद के बिना जो कविताएं थी, लेकिन बहुत ही गहरे उसमें विचार रहते थे। तो डिपेंड्स ऑन जितनी टाइप की कविता है, मतलब जितने टाइप के थॉट हैं, जितने टाइप के रस हैं, उतने टाइप की कविता है। हमने कई बार देखा है कि लोग नौकरी में व्यस्त होने के बाद अपनी हॉबीज को साइड में छोड़ देते हैं, लेकिन प्राथमिक सेवा में आप IAS हैं, 24 घंटे की लगभग आपकी नौकरी होती है, बावजूद आज भी कविताएं लिखने का दौर जारी है, तो क्या मोटिवेट करता है आज भी, क्या कविताएं लिखते हैं रात को बैठते हैं कभी? देखिए, इसके बारे में मैं तो ये कहूँगा कि कविता लिखना हॉबी से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति है। और विचार एक तो काल्पनिक हो सकते हैं और एक रियलिस्टिक, जो रियल चीज़ें हैं लाइफ में उसके बारे में। तो मेरे लिए ये हॉबी से ज़्यादा विचारों की अभिव्यक्ति है, चाहे बचपन में लिखी गई कविता हो, स्कूल टाइम में, या अभी। मुझे लगता है कि अगर कुछ चीज़ें लेखन के माध्यम से समाज सुधार में मदद मिल सकती है तो उसको लिख दिया जाए। ऐसे बोलने में तो हम लिमिटेड लोग को बोलते हैं, हालांकि आजकल व्हाट्सएप, यूट्यूब के माध्यम से विचारों की अभिव्यक्ति को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, बट इतने सारे वहां पे वीडियो या ऑडियो अपलोड होते हैं कि लोगों को सेलेक्ट करना मुश्किल होता है। कविताएं हैं, आराम से बैठ के किसी लाइब्रेरी में या फ्री में
और कविताओं को बार बार भी पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, धीरे धीरे पढ़ा जा सकता है। तो हमें लगता है कि लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति करके समाज सुधार कहें या जो भी आप कहें कि लोगों के बेनिफिट के लिए कुछ करना अच्छी बात है। आजकल युवा जुड़ना चाहते हैं कविताओं से, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे, किन बातों क्या फोकस करें, कैसे कविता लिखने की शुरुआत कैसे करें? आपने शुरुआत की थी 7वीं 8वीं में, आप क्या कहेंगे? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये आपका हॉबी नहीं, विचारों की अभिव्यक्ति होना चाहिए। तो अगर युवाओं को लगता है कि उनके विचार जो कि वो अभिव्यक्त नहीं कर पा रहे हैं या छोटे स्केल पे कर पा रहे हैं, उसको अगर लेखन के माध्यम से अभिव्यक्ति करते हैं और उसे समाज में सुधार होता है या लोगों, मतलब एक सोसाइटी में, राज्य में या देश में क्या मेन है, शांति है, सुखद जीवन है ना, लंबा जीवन है, हेल्दी लाइफ है, अन्य जो भी बेनिफिट हैं, साइंटिफिक डेवलपमेंट है, आगे क्या साइंटिफिक डेवलपमेंट के प्रोस्पेक्ट हैं उसके बारे में है। तो अगर ये राइटिंग के माध्यम से अभिव्यक्ति की जाती है तो ऑब्वियस है समाज के लाभ के लिए अच्छा है और ये करना चाहिए। आपने सुना रविंद्र कुमार जी को, उन्होंने कहा कि विचारों को व्यक्त करते रहिए, अपने मन में जो विचार है उन्हें कागज पर उतारते रहिए और उन्हें कविताओं का रूप देते रहिए। मैं तरफ से सभी गोवर्ण को टीडे की हार्दिक शुभकामनाएं, लेकिन लोकल के लिए झांसी से शाकिर सिंह।